मैं आपकी तरफ आती हूँ। श्रीलंका की हम बात करें, 13 विंस इन ए रो, की विनिंग स्ट्रीक भी चल रही है। श्रीलंका ने नो डाउट बहुत अच्छा खेला, बट ऑन दी अदर हैंड बांग्लादेश ने पूरी अपनी जान लगा दी, बिकॉज उनके लिए एक मस्ट विन गेम था। डू यू थिंक अगर शांटू यहाँ पे होते तो वो जो अपनी 89 रन, 92, 93 रन बनाते तो वो उनके काम आती और 21 रन से जो जीते हैं ना जीत पाते। देखिए ऐसे तो विव रिचर्ड्स भी जीरो पे आउट हो चुका है अपनी इनिंग्स में, यू नेवर नो व्हाट वुड हैव हैपेंड। लेकिन जो मैच खेले उसमें मैं बहुत बड़ा ब्लेम दूंगा मुशफिकुर रहीम को कि जैसे जब पाकिस्तान के खिलाफ मैच हो रहा था बांग्लादेश का, आप ये देखें कि 100 रन की पार्टनरशिप हो गई थी, चार विकेट जल्दी गिर गई थी, फिर इनकी 100 रन की पार्टनरशिप भी, वो जो आपने भी पॉइंट उठाया था कि पांचवी विकेट में ही क्या हो जाता है, तो उसके बाद जब शकीब आउट हुए मुशफिकुर ने बड़ा इररिस्पॉन्सिबल शॉट खेला था, ऑल बिहाइंड हो गए थे बाहर निकल के, और बांग्लादेश जो है ऑल आउट हो गई थी, हमें हमने ओवर्स भी पूरे नहीं कंप्लीट कर सकी थी। आज भी उन्होंने यही किया, वो तूफान से निकाल के ले आए थे बांग्लादेश को, और अभी ओवर्स रहते थे, अपने चार्ज आखिरी 10 ओवर में करना था, और आज दफा टारगेट छोटा था 258, कोई ऐसा मसला नहीं था, पाकिस्तान के खिलाफ तो टारगेट सेट कर रहे थे 258 का टारगेट इन 50 ओवर्स, देख रहे हैं कि बारिश का भी कोई चांस नहीं है, दैट मीन्स 4.5 रन पर ओवर पर खेलते रहे, आखिरी 7-8 ओवर में जाके मारे विद विकेट्स इन हैंड। लेकिन जिस स्टेज पे उन्होंने बाहर निकल के शॉट मारा, आई थिंक टर्निंग पॉइंट यही था। और बांग्लादेश आप देखें एंड में 22 रन रह गए थे कोई 12 गेंदों में, exactly. कुछ भी नहीं था, अगर चार विकेट हाथ में होती तो आराम से बना लेते, लेकिन तो टूर्नामेंट से तो शांटो बेशक ना हो, लेकिन आज मुशफिकुर रहीम ने बेसिकली वो शॉट खेल के आई थिंक काफी हद तक एक जीता हुआ मैच हरा दिया। दोनों मैचेस में ऐसे ही शॉट खेल गए हैं वो, और दोनों मैचेस के अंदर जो है उनका एक बात कहूं मैं, जी जी प्लीज ऐड ऑन, नॉट डिसएग्रीइंग विद सोहेब, सोहेब इज एब्सोल्युटली राइट, लेकिन मैं आई थिंक इन्होंने जो बॉलिंग की ना और उसके ऊपर जो सोहेब इनको फील्डिंग सपोर्ट मिली, ये रन ही नहीं दे रहे थे उनको, दैट आई एग्री विद, और उसके बाद जो इनका वो जो थसीरा है जो इनका स्पिनर है जी जी कैनन बॉल का थसीना कैनन बॉल, कैनन बॉल आपको तो पता है लेकिन इधर से होती है जी, यहाँ से पकड़ के यहाँ से गेंद पेश होती है, वो लगता है कि स्पिन होगी या लेग स्पिन या ऑफ स्पिन, जो हमारा पहले इनका वो बड़ा मशहूर अपना आया था क्रिकेट वो एक था जी, हाँ वो भी मेंडिस था, उसका नाम ही मेंडिस करेक्ट, और ये ऐसी बॉलर्स ना रोज रोज पैदा नहीं होती, तो इन दोनों की बॉलिंग इतनी टाइट की, एंड आई एग्री विद सोहेब, एंड थसीना की जो आज खास बात थी कि बैटिंग के बाद उसकी अंगूठे और फोर फिंगर इंजर्ड हो गया, उसने एक ओवर कराया, फिर वो 23-24 ओवर बाद आया जब उसकी जरा सी उंगली को रेस्ट मिल गया, तो वो फुल तरीके से फुली फिट भी नहीं था बॉल, स्टिल ही बॉल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।